गाइस, ये अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग और बुककीपिंग और इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे और अकाउंटिंग के बेसिक फंक्शंस, ये सारे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। गाइज, अकाउंटिंग को समझने से पहले मैं आपको बुककीपिंग को समझाना चाहता हूँ। बुककीपिंग एक बेसिक चीज है जिससे हम अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। एक साल में जितनी ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में की जाती हैं, वो सारी हम अकाउंटिंग या बुककीपिंग के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड्स इसमें रखे जाते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस, जो भी किसी से कुछ खरीदेंगे, किसी को कुछ बेचेंगे, किसी से उधार लेंगे या आप किसी को उधार देंगे, ये सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हम बुककीपिंग या अकाउंटिंग में रखते हैं। बुककीपिंग अकाउंटिंग का ही बेसिक पार्ट है, मींस ये एक ट्रेडिशन मेथड है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का। बुककीपिंग में जर्नल होता है, लेजर होता है, कैश बुक होता है, इसे हम मैनुअल एंट्रीज करते हैं सारे रिकॉर्ड्स की। इसलिए आजकल के फास्ट टाइम में बुककीपिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए हम अकाउंटिंग से अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं। और गाइज, अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग एक डिसिप्लिन्ड मेथड है अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने का। मींस बुककीपिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है, हम कोई भी रिकॉर्ड उसमें रखते हैं बट उसको बाद में एनालाइज करना बहुत टफ होता है। सारी एंट्रीज को मैनुअली देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, बट अकाउंटिंग में हम अपनी एंट्रीज को फिल करते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमें इसके रिजल्ट्स भी देता है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं अकाउंटिंग एक प्रोसेस है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या फाइनेंशियल रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने का या उसको रिकॉर्ड करने का, उसको मेजर करने का और लास्ट में कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि उस रिकॉर्ड को देख के हम अपने बिजनेस का फाइनल एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स उसमें क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। और इसी रिकॉर्ड को अगर कोई और यूज करना चाहे, जिसे हम अलो करें, वो भी इस रिकॉर्ड को इजीली असेस कर सकता है। बुककीपिंग की एंट्रीज को इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, इसलिए अकाउंटिंग बुककीपिंग से ज्यादा बेटर मानी जाती है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स का कहना है अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, अपने डाटा को क्लासिफाई करने की, उसको समराइज करने की और अपनी ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखने की। और गाइज, अकाउंटिंग हमें एक बेटर रिजल्ट देती है लास्ट में। आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड में अकाउंटिंग से आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए आपको और क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्या जिससे आपको आगे और ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा, बट यहाँ पे बुककीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करती है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को और अकाउंटिंग उस पे रिस्पॉन्स भी करती है, मीन्स उसको क्लासिफाई करती है, एनालाइज करती है और हमें फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट भी प्रोवाइड करती है अपने बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। गाइज, बुककीपिंग से हम अपने बिजनेस का फ्यूचर एनालिसिस नहीं कर सकते, बट अकाउंटिंग से हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पूरा एनालाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। इसकी एंट्रीज को हमें मैनुअली सर्च करना पड़ता है और इसकी एंट्रीज को हम बहुत ही जल्दी डायरेक्ट भी किसी एंट्री को सर्च करना हो तो हम कर सकते हैं। और गाइज, एक और डिफरेंस, अगर बुककीपिंग में कोई एंट्री गलत हो जाती है, उसे करेक्ट करने के लिए हमें पूरी एंट्रीज को फिर से मेंटेन करना पड़ता है और अलग से उसके लिए पूरा कॉलम बनाना पड़ता है उसको फिर से करेक्ट करने के लिए। बट अकाउंटिंग में ये नहीं है, जो एंट्री गलत होगी हम डायरेक्ट उस एंट्री पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट प्रिपेयर कर देगी। अब है बेसिक फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। गाइज, अकाउंटिंग के कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, ये आइडेंटिफाई करता है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और उसे मनी की फॉर्म में हमें बताता है। मींस बिजनेस में कितने लाख या कितने करोड़ का बिजनेस हुआ या उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो हमें मनी की फॉर्म में बताता है। इसके बाद ये रिकॉर्डिंग करता है, मीन्स जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करता है जर्नल एंट्रीज के थ्रू। ये सारी टर्म्स, जर्नल एंट्रीज, लेजर, वाउचर, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गाइज, वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। गाइज, बेसिकली अकाउंटिंग का मेन फंक्शन यही है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसे जल्द से जल्द जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए और जब
ट्रांजैक्शन जनरलाइज हो जाती हैं, तो उसे इजी होता है लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना। इसके बाद आ जाता है क्लासिफाइंग। जब ट्रांजैक्शन जनरलाइज हो जाती हैं, वो क्लासिफाइड हो जाती हैं और लेजर में सेपरेटली रिकॉर्ड हो जाती हैं। गाइज, इसके बाद है समराइजिंग। ट्रांजैक्शन लेजर में रिकॉर्ड होने के बाद ये ड्राइंग बैलेंस के थ्रू क्लोज की जाती हैं और लेजर बैलेंस को लेके एक ब्रीफ स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, जैसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और गाइज, इसके बाद है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं है, ये हमें बिजनेस का एक नेट रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का। और वो स्टेटमेंट जो एनालाइज की जाती है अकाउंटिंग के थ्रू, वो बिजनेस की इनकम यानी कि रेवेन्यू और उसके एक्सपेंस को एनालाइज करके हमें एक फाइनल एनालिसिस देता है एंड में। और उसके बाद हम एनालाइज करते हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में आता है जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, मींस उसके ओनर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट भी अगर बिजनेस से लिंक्ड है, तो उसकी डिटेल मींस फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए और उसकी डिटेल जानने के लिए वो एनालिसिस देख सकते हैं जो अकाउंटिंग के द्वारा प्रिपेयर किया गया होता है। गाइज, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमें सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक वे में। दूसरा है ये बिजनेस का एनालिसिस करके देता है प्रॉफिट या लॉस एक सर्टेन पीरियड का। और थर्ड है ये हमें बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन बताता है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की अगले लेक्चर में की जाएंगी। और गाइज, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अकाउंट्स के डेली टेस्ट के लिए, JKSSB के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। सारे टेस्ट इस चैनल पर लिए जा रहे हैं डेली, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।